बहुत हैवी है भाई, चिकन की थिकनेस चेक करें बस। ये है 1200 रुपए की शेफ जवेरिया डील, और इस डील में आपको मिलेगा जंबो जिंगर बर्गर, क्वार्टर ब्रोस, पिज्जा फ्राइज और दो रेगुलर सोडा। है ना जबरदस्त डील। साथ में मैं इनका मिनी पैन केक्स भी ट्राई करके आपको बताऊंगी। ये बताए कि क्या अलग क्या है? ये अलग इसलिए है कि ये पाकिस्तानी रेसिपी नहीं, ये ऑस्ट्रेलियन रेसिपी है। क्योंकि मैं यहाँ से पहले ऑस्ट्रेलिया में था, 8 साल मैंने वहाँ पे रहा हूँ, वहाँ पे मैंने रेस्टोरेंट चलाया है। तो ये वही रेसिपी है जो मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है। जो मेरा जिंगर है, जो उसमें चिकन यूज़ करते हैं, चिकन की रेसिपी मेरी सीक्रेट रेसिपी है वहीं की, और सारी चीज़ें उसी स्टैंडर्ड पे हैं जो स्टैंडर्ड में बाहर फॉलो करता। अच्छा, तो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट हम कह सकते हैं। Hey food fam, welcome back to another vlog. This is me, Chef Javeri, और आज मैं आई हूँ hashtag cafe जो के located है North Karachi sector 11C। तो भाई हम यहाँ पर इनका फास्ट फूड ट्राई करेंगे, देखते हैं इनका फास्ट फूड का टेस्ट कैसा है। तो चलो चले। सो फ्रेंड्स, आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक आई एम बैक टू दी वर्क, और अपनी कराची के आवाम के लिए मैं लेकर आ गई हूँ बेहतरीन डील। इसका नाम है शेफ जवेरिया डील, और ये आपको मिलेगी सिर्फ 1200 रुपए में। मैं कहती हूँ 2 पर्सन के लिए इनफ है ये डील। डील में आपको जंबो जिंगर, वाटर ब्रोस्ट, पिज्जा फ्राइज और 2 रेगुलर सोडा मिलेंगे। तो भाई वीडियो को पूरा एंड तक देखे, हर चीज का टेस्ट मैंने वीडियो में मेंशन किया हुआ है। हाफ करवा लूँ तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इतना बड़ा मेरा मुंह नहीं है जितना बड़ा जिंगर है। बहुत ज्यादा सॉसी, हल्का सा मुझे इसके अंदर सॉल्ट ज्यादा लग रहा है। बाकी सॉस का फ्लेवर बहुत मजे का है, फ्राइज अभी भी क्रंची है और ऑलिव मेरे मुंह में आए हैं। बहुत मजे का टेस्ट है पिज्जा फ्राइज का। तो भाई अभी इनका ब्रोस्ट आपको दिखाती हूँ, ब्रोस्ट कैसा है। Nice. ब्रोस्ट काफी क्रिस्पी है और काफी क्रंची है। स्किन वाला ब्रोस्ट नहीं है, लेकिन काफी क्रिस्पी लग रहा है। ब्रोस्ट का टेस्ट बहुत मजे का है, क्रिस्पी, चिकन के अंदर तक फ्लेवर है, हल्का सा फ्लेवर है, बहुत माइल्ड सा, इतना ज्यादा फ्लेवर नहीं है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं है, लेकिन ब्रोस्ट का टेस्ट काफी फ्रेश है और बहुत मजे का टेस्ट है इसका। तो भाई अब बारी आ चुकी है हैशटैग के जंबो जिंगर बर्गर की। जिंगर तो बहुत ही ज्यादा मजे का लग रहा है, इनकी डबल जिंगर है चीज के साथ सॉसी। इनकी खास बात मुझे ये लग रही है कि देखें, इसके अंदर चिकन का पीस काफी थिक है ना, अक्सर जिंगर में सिर्फ कोटिंग नजर आ रही होती है, चिकन बराए नाम ही नजर आ रही होती है, लेकिन इनकी चिकन का फिले काफी थिक है। तो मैं खाऊं कैसे? चीजी, सॉसी, क्रिस्पी, फ्लेवरफुल, बहुत मजे का जिंगर है ये, वाकई में बहुत मजे का जिंगर है। और 1200 रुपए का ना मैं बोलती हूँ ये डील वर्थ इट है। फ्लेवर, टेस्ट और क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, हाई क्वालिटी में सारी चीजें बनी हुई। इनके सॉस का टेस्ट भी बहुत मजे का है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कोई भी चीज़ लो क्वालिटी में बनाया हुआ, बहुत मजे का टेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है। ग्रीन पैराडाइज, पीच एंड पाइनएप्पल सोडा ट्राई करना तो बनता है ना। पाइनएप्पल सोडा जो है वो थोड़ा सा टेस्टलेस है, इतना अच्छा इसका फ्लेवर नहीं आ रहा। इसका टेस्ट जो है हल्का सा बबल गम टाइप का है। ग्रीन पैराडाइज है ये स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, इसका फ्लेवर अच्छा है। पीच का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग है, इसका फ्लेवर भी अच्छा है। ये है ओरियो लवर पैनकेक और इसके प्राइस है 379 रुपीज। 379 रुपीज के अंदर 12 पैनकेक मिलेंगे आपको, और साथ में आपको एक आइसक्रीम का स्कूप भी मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा गरम गरम है पैनकेक्स, ऊपर ओरियो की क्रश डाला हुआ है और चॉकलेट के साथ ये बिल्कुल डिप हुआ हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा मजे का लग रहा है। अभी आपको खा के बताती हूँ कितना मजे का है। इनकी एक अच्छी चीज़ ये है, मैंने कुछ जगहों पर पैनकेक्स खाए हुए, इनके जो पैनकेक का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा लेस स्वीट है। पैनकेक के अंदर इतनी मिठास इन्होंने नहीं डाली हुई, तो चॉकलेट उसके ऊपर स्प्रिंकल की हुई है, उसकी मिठास है, आइसक्रीम की मिठास है, तो ये बिल्कुल बैलेंस्ड हुआ हुआ है। ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा मीठा मीठा सा हो जाए, तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का है, मुझे तो बहुत मज़े का लगा। तो आप लोग भी आए तो ये बिल्कुल ज़रूर ट्राई करिएगा, हाईली रिकमेंडेड है। और इनकी फ्राइज़ मैंने ट्राई नहीं करी, मेरा भाई कह रहा है कि ऐसी फ्राइज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में उसने खाई है फ्लेवर, तो खा के बताते कैसी है। सही बताओ, वाकई में ऑस्ट्रेलिया में मिलती है ऐसी फ्राइज़? वाकई में बहुत मजे का फ्लेवर है, ऐसा ब्रोस्ट मैंने नहीं खाया अभी तक। इनका जिंगर का टेस्ट भी बहुत मजे का, और इनकी पिज्जा फ्राइज बहुत सॉसी, बहुत मजे की, और ये फ्राइज भी बहुत मजे की है। तो आप लोग यहाँ पर आए और इसे ट्राई करें, हाईली रिकमेंडेड है गाइस। जल्दी से अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में टैग करना शुरू कर दे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय। अच्छा, मैंने आपको जो है वो जिंगर ट्राई किया, और डबल जिंगर बर्गर की तो बात ही अलग है, और ब्रोस्ट मैंने अभी तक कराची में ऐसा नहीं खाया, तो आप मुझे ये बताएं कि इतना अलग क्यों है। अलग इसलिए है कि ये पाकिस्तानी रेसिपी नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन रेसिपी है। क्योंकि मैं यहाँ से पहले ऑस्ट्रेलिया में था, 8 साल मैंने वहाँ पे रहा हूँ, वहाँ पे मैंने रेस्टोरेंट चलाया है। तो ये वही रेसिपी है जो मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है। जो मेरा जिंगर है,
जो उसमें चिकन यूज़ करते हैं, चिकन की रेसिपी मेरी सीक्रेट रेसिपी है वहीं की, और सारी चीज़ें उसी स्टैंडर्ड पे हैं जो स्टैंडर्ड में बाहर फॉलो करता। अच्छा, तो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाई जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया से आया, तो वो मुझसे यही कह रहा था कि इनका टेस्ट थोड़ा सा जो है ना वो अलग है, ऐसा नहीं है कि कराची में जैसे जिंगर मिलता है, टेस्ट वहाँ के जैसा लग रहा है। तो मैंने कहा मैं आपसे थोड़ा सा इंटरव्यू लूँ कि जी बिल्कुल। देखें ऐसा ही है कि अगर देखें आपके भाई वहाँ पे रहे हैं तो वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझते होंगे कि यहाँ के जायके में और वहाँ के जायके में कितना फर्क है। होता ये है कि नॉर्मली लोग यहाँ पे कुछ भी सेल कर देते हैं, हम यहाँ पे कुछ भी सेल नहीं करते, हम यहाँ पे सारी चीज़ें नाप तोल के और उसकी क्वालिटी अश्योरेंस करके हम यहाँ पे चीज़ें अपनी यहाँ पे बनाते हैं, उसको कुक करते हैं उसी हिसाब से, और हम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अपने फॉलो करते हैं, हाइजीन का हम अपना ख्याल रखते हैं, तो हाइजीन से बहुत फ़र्क पड़ जाता है खाने के जायके। सही बात है। जो चीज़ अच्छे से बनेगी, जैसे दीन भी हमें कहते हैं कि सफाई में ईमान है, तो हम सफाई को फॉलो करते हुए सारी चीज़ें बनाएंगे तो उसका जायका भी मैं समझता हूँ कि अलग है। वाकई में बहुत मुझे अच्छा लगा, मतलब ऐसा है कि मैं अगली बार भी आके खाऊंगी यहाँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके आने का, आप आएं और दोबारा से ज़रूर आएगा इंशाल्लाह, हम आपको और मज़ीद बेहतरीन चीज़ें देंगे। थैंक यू।